अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला, सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है, वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में। तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए, एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ। सर, उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर, मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं, एंड मेरे फादर, एंड डीएम मैम, एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली, माँ बाप ने डाली है, स्कूल में कॉलेज में डाली, क्या हुआ? सर, मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड, तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर किया, सिखाया, एंड मुझे मेरे फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं, एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फेसबुक गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डिवेलप करूँ और समाज की सेवा कर सकूँ। मेधांश, आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, वो स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, देश भर से 623 बच्चे अपने अभिभावकों के साथ इस पुरस्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ हमसे जुड़े। आज उनमें से 29 बच्चों को आपके हाथों से पुरस्कार प्राप्त होगा। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिजिटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा। स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने में बच्चों की प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन की भूमिका अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूल कर साहस को चुना, अपनी नई सोच से नया कुछ बुना। नवाचार, वीरता, शैक्षिक उपलब्धि, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 6 श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए की राशि और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को
माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जनरेटेड सर्टिफिकेट पूरी तरह से सुरक्षित है। डिजिटल इंडिया के इस सुखद प्रयासों के माध्यम से आज राष्ट्रभर में 29 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। मास्टर मेघांश कुमार गुप्ता, उम्र 11 वर्ष, जालंधर, पंजाब। इन्होंने 2020 में coronafreeworld.com साइट लॉन्च किया। आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है, आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है। आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है, ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है, इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। मुझे पूरा भरोसा है आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे और आप आने वाले समय में देश के लिए अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, सभी मेरे बाल मित्रों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।